देखे पीर बाबा जी की और जन्म की कथा का भाग शुरू हो जाता है। देखे बाचल माई और दर्द रेवे में गौवा के दूध मिलने में सुर्रा गौवा का दूध मिलने में टाइम लग गया और जौड़े जन्म ले लेते हैं। बाचल की नणंद ने तुम्मत तफान और बाचल को चुट्ठा लगाया, राजे जेमन राणे के पास थे कटिया दुआया, बणो बास बाचल को मिल जाता है। जाने के लिए एक गड्ढा और दो बैल बुरा चौरा, जाओ चना की रोटी ये सफर में भोजन करने के लिए दिया है। चिट्टा बाणा और खुले केस है, बाचल माई तरमा बाटी गढ़वाड़ा, चल रहे मेरे बेटे रे मेरे सारथी, मनो खेड़े दादा के पौन पा पचा। देखे खेड़े पाए का बाचल गड्ढे माते उतर का, खेड़े गाड़ी खड़का कौन सी फरियाद करा रहे भाई। कैसे हैं सो ऐसे बोल बनाई। पहले सुनिए सोला बाबा जी का। जी ठंडा ठंडा पानी तोरे जग जाने का, दुनिया दर्शन पावे भुगे राणे का, ठंडा ठंडा पानी सूरज के ज्ञाने का, दुनिया दर्शन पावे भुगे राणे का। तेरा बड़ा अंत का खेत पीर जी तेरा पाया किसी नो ना बेदे, बड़ा अंत का खेत बाबा जी पाया किसी ने ना बेदे, देखा बालो रेत रे रे रे, देखा बालो रेत तेरे सवाने का, दुनिया दर्शन पावे दुखे राने का, ठंडा ठंडा पानी सूरज के ज्ञाने का, दर्शन पावे भुगे राणे का। जहाँ जाड़ करीर और जाड़ी उनका तिल्ला देख ले माड़ी, जहाँ जाड़ करीर और जाड़ी से उनका तिल्ला देख ले से माड़ी, हर रोज तेरे गावा तेरे भगत समये आवा राणा जी, जस हर रोज गावा तेरे संगी कल से चढ़ा मेरे रे रे रे, संगी कल से चढ़ा मैं पीर हरि बाबा जी तेरा जोगे, ठोका उलटे ओग गाने काना पीर बकस तेरा जोगे, सच्चे दरबार की जय। ओ खेड़े पारो आया बाथल माता रे,
हाथे जोड़ का बोला माता केले तेरी मैं चरण मा ब्याही भी आई थी खेड़े आज मेरे राजा ने बनवास दे दिया चाहे मनो मोड़ का बचाए दे नगरी में आयागर चाहे दियो तेरी बोण मा बाप क्या नो चल रही रे आहा सर से पंटनो गट्टा चल रहा ओ जंगला में आए गिल बाथल चल का ये गड्डा तेरा आहा गड्डा तेरा आ गया बियाबान जंगल मा ये मेरे पीर ला मथे मा दाग ग्यारह माई के पीर हो मेरे भाईओ जी जी हां जी अपने लहे तो चमन देखे पीर महाराज जन्म लेने से पहले तजर्बे लाते हैं अपने दुश्मन राजे बांसक नाग को तर्थमंडल में और जगा देते हैं अपना चमत्कार दिखाते हैं गड्ढे में धमका पाया और सुंदर राजा उदक उठ्या बड़बड़ाए का उठ्या राजा बांसक नाग डर गया हो तेरा हो जा तेरा पद्मा देना गणे कैरी पति महाराज आप किस निंड राए हो रानी मनो पता नहीं कौन दुश्मन है जिसने में डराया पंडित बुलाए और वेद दिखाए इस गुग्गे राणे का जन्म जय का नाम वेदा में आया पंडित और रिमाना कर दिए और नागा का दरबार लाया नंगा खंडा बीड़ा पाना का मैदान में रखा रस मुरली बीन बजाई और दुनिया के नाग आहा सारे बलाए भाई हाय कोई नागा में सूरमा मेरे दुश्मन का जन्म बेकार करने आड़ा ए ले डर गए सारे ले नाम सुन का पीर कारे दौड़े सारे साप नाग चले गाए रा सारे बिन नाग भयो आप कली हो भी रह गया जी पद्मा दे रा नागन बोली मार रही राजा के बाते राणा जी तेरे डर गए ले नाग सारे डर गए ने नाम हा जी खेराए बाखत मा नखी नाग अपना पान जा याद यो कर लिया माता बेटे ले कर दे ले मदाद आप कर रहा यो याद मान नो मार गया आई गामा मेला
का जन्म भी बेकार कर दे, कर दे जन्म बेकार कर दे गुग्गे का। जय का आप भग जातो नाग तर पाए तुम्हारा पान जे राजा कार के तन्ने भी मारा मच्छी बेल जातन कर ले जयकारे तेरे आप दारी मार दे हाँ जी। आ तो मामे की मतात माले सांप बनका दारी मार गया से मान नो के तक्षिनाग और बाथल नो डंसन। ओ भाई इस गुग्गे पीर का जन्म बेकार करने के लिए आया। मथे में जाकर दुश्मन का वार रोका पीर ने, अपनी करण छोड़ का ब्राह्मण बन गया, जहर की गडवी भर ली। और बाचल के रस्ते में खड़ गया बन का ब्राह्मण प्रोहत बन के गढ़वाले ने पांव लगना बोलिया, कहां ते आए दादाजी? सर से पट्टन ते आया भाई, कौन पाल राजपूत ने अपनी बेटियां के पास भेजा बाचल काचल पा गर्द दृढ़ी में। और बाचले रोए पड़ी, गेल बैठा लिया ब्राह्मण, न्यूनी पता भी हो सांपा इच्छा तारी नाग और जो मर्जी रूप धारण कर सकता है वो कई हजारा में एक होता है, सब सांप ऐसे नहीं होते। और काया पलटने आड़े ए बेटी फनकारे मार मार का बाछल का मुंह कह दिया, भी बेटी तुने क्यों कटिया दिया, ए तो एडे राजपूता की थी, मैं जाऊं फिर बागड़ में? नहीं दादा, मेरे गिल वापस मुड़ ले, तन्नो कोई मार देगा बागड़ में, पानी की स्टाइल है जी, बाथल का मुंह कह दिया। अरे दादा गडवी में क्या ले रहा? बेटी हम ब्राह्मण लोग ये पूजा करने का जल है, लिया मन्ने पिला दे दो घूट, हाँ पी ले बेटी। जहर की गडवी हाथ में पकड़ा दी बाथल के और पीने नो तैयार हुई, देखा ऐसा आयो पी रे, न्यू कोई नहीं मानना तो भाई बाथल माता के हाथ भी कमाए दिए। आहा ये तो हाथ भी कमाए दिए पीर ने रे आप इरे बाथल माता के बागड़ वाले पीर बाते आज दे दिया जड़ जल्ला महा सारा जहर मंदवाया महाराज जान जहर मंदवाया बागड़ के मेरे पीर तन्ने माता की योगे बागड़ वाला पीर मेरा फिर बाथल माता की जान बचैली नाग के पास ते भला बागड़ वाला यो पीर बाबा माता नु समझे भी रहा यो तो बनता पीर उठ गया है ना।
देखे जहर वाला फैर भी और मिस हो गया तखी नाक का, गुस्से में भर गया भी तो नाग भी फूक दूंगा सना गुगे ते और सना गड्ढे ते सना बैलाते। जंगल में आग लगी, फनकारा मार का और बाथल के गड्ढे की चार फेरा आग। आग पानी का गेरा ये बड़ा बुरा होता है, बाथल रोवे और भक्तों के बस में भगवान कैसे होते हैं। पीर बोले जा कान में, ए बाथल माई तेरी गुरु गोरखनाथ नु मना, तेरी जान बच जागी ए मेरी बाथल माई। बाबे गोरखनाथ का नाम और भजन बाथल माई करती है। अरे संकट में था दो और इंद्र महाराज सारी आग जो होते हैं बाथल माई के गड्ढे के छपेरे से बैठ की गड्ढे में और चल पड़ी बात क्या नू। 12 बज के दिन के सरबल ताल पर आएगी अपने पिता के, ओ मेरे बेटे रोक दे ब्रौटे की छाया में मेरे बैलानू और पानी पिला लिया थोड़ी देर राम करका चलांगे। गढ़वाड़ा बैलानू लेकर पानी पर आ गया, बाथल छाया में बैठी, ओ भाई पानी में साफ बैला के गाड़ी डंक लग गया मारन, ख्वाजा पीर बहुत गया, 70 कुली नरकनों चली जा, जो गौ के जया को पानी पिन जा हो या को डंसता है। दिल में बहम पड़ गया, भी डंगरा नो आदत हुआ, एक फेरी रज का पानी पी का दोबारा मुंह धरने की मैं फिर डंस लूंगा। बैला ने एक फेरी पानी पी का दोबारा मुंह हो नी धरया, जंगल में छोड़ दिए बैल, गढ़वाड़ा बाछल माई पाए गया। ओ बेटे रे मेरे गढ़वाड़े आजा बेटे भोजन जी मिले। कर्मबाडी जौ चने की रोटी ते नफरत कर गया, भी किन्नू गड़मा पसाणी किन्नू पेट में दर्द ठवाना, जवाब दे दियो। 12 कोस रह गए बाछल के पेके, जय का दो ज्यादा खा लेंगे भाई, जवाब दे दिया। और बाछल नो बड़ा हों का मारा माई ने, हो बाबे गोरखनाथ आज जो मेरे हाथा का पाड़ा हुआ मेरे भोजन ते यो भी नफरत कर गया मेरा गढ़वाड़ा। लेका गुरु जी का नाव और जद खोलिया भोजन का डब्बा, आ हा 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 हा, देसी घी का प्रसाद नरमो नरम गर्मो गरम, सब्ज दाखा खोपा चारों मगज बम्फा। गढ़वाले ने जद देखा, ए माई इब तो लगी भूख, जिमले बेटे भोजन जिम्या, बड़ियाई कह रहा किस तरह गावा ते बड़ियाई, पहला भाई तने बाछल माई यही तो आ तेरे हाथ की कमाई, तम बंदा जाओ चने की रोटियां अरे ये इस तरह का पदार्थ पता नहीं कहां ते दे खड़ाई, बड़ियाई गाई। और सांप पानी माते बैला गाड़ी आ गया, बरू बना लिया पूंछड़ी पर, चल दो बैला ने मुंह पाया बरू पर डंक मारा, दो बैल डंस लिए बाछल माई के काल कर गए। चलने का टाइम होया, बाथल भी रोई और गढ़वाड़ा भी रोआ, आहा। और पीर बोल रहा भाई कान में, मां दुश्मन न्यू कहागा डर दे रोई रही, जगा
फोड़ी लेखक द्वारा बाथल पीरो गड्ढे में नीम और बाबा जी ने पैदा कर दिया टकाणी में और गढ़वाड़ा नीम लेकर बाछलमाई पा जाता है। रात जगे ये जो दुनिया में देते हैं थापे लगाते हैं बाबा जी के ये सबसे पहला बाछलमाई पास से लिया है। बैल राजी हो गए और नाग पीछे न मुड़ गया वापस बाछल गड्ढे में बैठ गई और पहुंच गई पेक्या के दौरा शहर से बाहर। हरि सिंह जगत सिंह ये बाथल के सगे भाई हैं जंगल की सैर को चले थे और जब मिले बहने ए बाथल ना बेटा कोई नाई ना मारा सगाई बिना बुलाई के आस्ते आई बुलावा नहीं थे इनका। हे मेरे वीरो मनो मेरी ननद ने कटिया दवाया मैं तो दिन काटन थारे बारमा आई मनो मेरे मिये के महल मा पचाए जो रहे मेरे भाई गड्ढे ने खड़वाए का कचहरी में आएगे और बाथल का पिता ये अखां ते बिल्कुल नपट 12 साल ते अंधा है। जब कमर सजादा ने ये बताया है भी आ तो बागड़ ते बेटी बाथल बीबी आई कडिये में कचहरी में ते खड़े होकर तलवार मंगा का रस्ते में खड़े हो जाता है। हे बेटी बाथले क्या मेरी आबरू खोए का मेरी इज्जत तारकाई परचाए ला दे ये बाथले अखा मेरी ये खोल दे मैं तो फिर मनूंगा ये तन्नो फिर मेरे दिल नु दीवारे अखा भी खोल दे ये बेटी आबे ये बाथल लाडली परचा मन पीर ने लाया बागड़ के छवान जी बेटी बाथल के पैरा महाराजा मत्था टेक रिया कौर बाल राजा शेर का तलवार पैरा मा मत
घर से पट्टन माये आएगी दर मन आ। राजे कौर पाल नो और 12 साल के अंधे को तजर्बा लाया पीर बाबा जी ने, अखां ते जहान बागड़ाले गुग्गे महाराज ने दिखाया और तमामी सर से पट्टन में रुका पड़ जाता है। सब पैरा में बाचल के मत्थे टेकते हैं और पर्चे तजर्बे जन्म लेने से पहला ये पीर बाबा लगाते हैं नानक्या में। बाचल नो रहंदी नो बापक्या में सावण का महीना दिन तीजा का त्योहार आ गया। बाचल रोई तीजा के गीत सुनका रुकमण बाचल की माता दो राई, ए बेटी क्यों रोवा क्या दे गया तन गोरखनाथ गुगल की बट्टी, कितने दिन हो गए मेरे याद नहीं माता जी, फिर तेरा जन्म किसनों लेना च तेरे याद नहीं। पाया खिस्से में हाथ कागज मिल गया जिस दिन गुगल पिया था। बाचल की माता और गिनरी महीने साब लहरी, एक दो तीन चार पाँच छः, गुस्सा आ गया, ए बेटी दुनियादारी में नौवे दसवें महीने में बच्चे जन्म लेते हैं, तनों साल पूरा होने पर आया ना गर्भ कोक ना कोई बात, किसनों लेना जन्म, इमा मेरी गिल बातां करा जी नो जन्म लेना। हे बेटी बाछले साथ तेरी गिल पुत्ता नो ले गया, पुत्तड़िया नो बातां करने वालिया नो गेर दे नो माड़ा नो मान दी नहीं बाछले, नहीं माता जी मैं गुरु का नाम कभी नहीं छोड़ूंगी। पीर कह रहा मां मेरी नानी नो कह दे परचे का रात जगह ले लूंगा कलों दोपहरे नो और मेरा मियाँ तनों लेना जगह नहा, फिर मानिए तो भी पीर समझ दिया बिन्यू कह रहा पीर। पीर ने कहा चलो दान करवाना यज्ञ देगी यज्ञ सही, ला अद्धी रात के टाइम में बागड़ाले की सवारी गुग्गे महाराज की गर्द द्रेड़े में बागड़ देश में किस तरह आवारा भाई छोरे कैसे सो वैसे बोल बना जी। जेमर राजा पीर ने पाटक ताराए मारिया यो मारिया अपना पिता बागड़ के राणे ने आठ का पट क्या बागड़ देश मां धरती गे भगत ले चाणी आए गए महल मां राजी करण तो ले किसी पानी राजी हुंदा जे महल मायो राणियो रात के ले खेल देनो हाँ रात के खेल देनो होएगा आस भेगा लाए से बे दारी मां जी। पीर का लय दादा लय आय का गाड़ी हाथ जोड़ा 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 दादा आय का रे मिनता लय कर रिया यो तो हाथ जोड़ा यो दादा कौन देवी देवता आएगा आएगा लाइक
आ आजो ले मुख दे ले बोल जो इठ के बोल रिया दादा उमर दादे के कहने तेरे छाते राजे ते मरनो आएगी पीर की खेल पीर आता लाए आहा खेल रिया राजा राजे मेरे चखन्की मारा बाबा जी ने कोई नहीं बख्शा, अपने पिताजी भी खुद नहीं बख्शे बागड़ाले ने। जब भी इसको चार खूंट पूजती है, गलती करने वाले को ये कभी माफ नहीं करते हैं। राजा जेमर खिलाया बुरा हाल कराया, पीर का दादा मिन्नत करता है हाथ जोड़कर दादे के कहने ते रहम आ जाता है, छांट आएगी बागड़ाले की। आपो खेला राजा जेमर, आपो बोला दादे माया हुई संपत का दान जौन सा देखा गए थे गोरखनाथ, इन्हें बिना गलती बिना कसूर ते कटिया अपनी रानी बाथल को दिया है। धरती मा गर करूंगा और जरम इसी नगर खेड़े में लेना दादे। दादा उमर कहा ओ मेरे पोते, मैं तो इन आजो भेज रहा, जय का बाथल नु लियावागा, इसका पेंडा छोड़ दे। दादे के कहने थे और अपने मिये के सिर दाते पासा हो गए। आगे जनाने महल में पीर और पीर की बुआ समिरदे तीमिया का महल भर रहा भाई, चुगलियां कर रही मखौल कर रही पीर का, क्या कह रही दस तीमिया में मार रही ठोडी परंगड़ी कर रही बाता, रम्मो जम्मो कट्ठी हुई भी सारी संतली पतली, ए भी मेरे भाई का तो जी नहीं लगे रानी बाछल बिना, ये चुट्ठी नो खेल रहा जाऊ ही कह दे पला भी मनो रानी बाछल लियानी है जयका, फिर क्या कोई रोका। आरती मिया संतली पतली रम्मो जम्मो लटको सलारो अंधी कानी रोबी रोजगी रो मक्की कुकी साग बात बम्बो पराड़ो रगड़ झगड़ बासी तवासी सिणकी विणकी अंगूरा देरी। पीर ने पटका मारी समीर दे सारी तीमिया दौड़ गई, कलियो खेल रही समीर दी, बहुत ते गाड़ी तीमी बहुत ते गाड़ी बहुत ते गाड़ी, आएगी छांट अपनी बुआ नू, अपना मुंह आपो बोला क्या कह रहा बागड़ाला, ए बुआ तन्ने मेरी माता नू बिना गलती दे कड़िया दुआया तारनी तो धरती माती तो, पर तनो सजा ज्यो ए चंद्री मनो जन्म लेना तनो दर्शन नहीं देना, कह कब चले गए सर से पट और रुका पड़ गया तमामी गर्दड़े में, बाड़ियां पे गुहारियां पे कुएं पे पथवारियां पे तीमियां बातें करा। समीरदे ने राजा जेमर बुलाया ओ मेरे वीर जय का बाछल नु लिया, 12 जवान एक नाई पुरोहित श्रृंगार दान बाछल के लिए, देखे लेन घोड़िया के सवार सरसे पट्टन में पहुंचे छुआण, प्राणे की खुशी में नाचने गाने होए, रात खटी सवेर होई बाथल की बदौगी की तैयारी हो जाती है। अब डोले में बैठी कौरपाल राजा ने नजर भरी राणे की और सोने की सरफी, रुक्मण दो राई डोले की और बाथल बागड़ में धूड़े नो आदेश मनाती है बाबे गोरखनाथ के, और गर्द द्रेड़े में खेड़े नो प्रणाम करया बाछल ले, देखे दोड़ा महल में आ जाता है फूल मदे पीर की दादी है, पल्ले में पूरी पावा कौन कौन से बोल कहा रहा बेटो, कैसे है सो वैसे बोल बनाई। आएगी ले पागड़ में बात ले दरेड़े माँ दौड़ा ये आएगा तेरा, क्यों रे बीरनो या तो फूल में देवी तोरा डोले के आज जी, ये पीर दी या दादी पल्ले माँ पुड़ी पुड़ी पान ऐरी बाछल के पल्ले माँ, ये बहुरानी मेरा तो दिल नहीं लगाता ये तेरे बिना आज जी,
श्याम कार हो गया रे टैम पाथल के कान मायो पीर पीर बाबा बोला बागड़ वाले हाँ मेरी माता मेरी जन्म की ये तैयारी होगी आज जी पीर बाबा जी के जन्म की तैयारी हो जाती है। कर्म द्वैत कागज मंगाया बाचल माई ने और पीर बतैरिया कान में बोल रहे महाराज जन्म लेने से पहले दिखाई नहीं देते बाचल माई को। हे माई अठों की तिथि को मनो जन्म लेना और नौमी की लेनी सलाम मेरी जन्म कोठड़ी बनवा एक छे जलवा और सूरज मुहाना दरवाजा लवा चारों किंगरे बनवा जन्म लेने से पहला मनो अपना दादा स्वर्गवास करना। गम ना कर लिए दिल में मैं सुतक पातक नू बिल्कुल नहीं अपनी सुखना में मानने का है मेरी बाचल माई और मनो अपनी दाई बनानी यही की जामी जाई संदल ब्राह्मणा की 40 साल की उम्र है। देखिए जन्म कोठड़ी भी बनवाई और दादा दर्शन पान आया जन्म कोठड़ी के स्वर्गवास हो गया भाई। दाग दिया छुआनो और नौलखे बाग में श्याम का टाइम हो गया ब्राह्मणी बुलाई संदल ब्राह्मणी उंगली ते फगड़ का ल्याणी समझा जी स्नान करे अच्छे वस्त्र पर है प्रोहतनी का 40 साल की उम्र में है बियातन जहान दिखागा बाचल ने समझा दी। तड़के का टाइम हो जाता है और छेज का सवार जन्म कोठरी में बाथल माई हो जाती है। जन्म की अंधी संदल ब्राह्मणी को दरवाजे पे लाने का छोड़ते हैं। देखिए जब दरवाजे पे संदल ने पैर धरिया और गुग्गा महाराज बाथल की गोद में नजर आए पहला पर्चा संदल नो लाया ये देखिए इस कैश को रिकॉर्ड करते हैं मास्टर बलदेवराज टपरियों वाले और उनका बेटा लक्ष्मीचंद ढोलक पर साथ देते हैं रवि खान और गरमेल भेड़ियों वाले कैश में बड़ा सहयोग देते हैं हमारे पगा जी सुरिंदर सिंह सजाद पराले। देखिए सुनिए बाबा जी का भजन ए जी दिन अष्टमी रात अंधेरी में अच्छा जाद जाने में पीर ने पाया है बर्बाद रात अंधेरी में जब जाने में पीर ने पाया है बर्बाद रात अंधेरी में जब जाने में पीर ने पाया है एज दिन अष्टमी रात अंधेरी अच्छा जी बच जादे जन्मे ते छात्र धारी फिर क्या हुआ पहला परचा चंदन नो लाया जन्म की अंधी नो ये अखा ते जहाने आया है दिन अष्टमी सबने जय जयकार मनाई शंकर जी भी खुशी मनाते हैं खुद ना दिए बैल पर चढ़ कर यो नसीब जी ने ना दे जाया है दिन अष्टमी जिसने बोड़ा खपर हाथ में लिया तब ठाई
पीर के जन्म की ये जगदाती भी खुशी मनाती है। एरा गेलो बैरो लिया ताज गाई, एरा मंगल खुशी का आया है दिन अष्टमी। खबरा होई अच्छा जी गुरु जी ने नाद दिया था बजाई, जो तो तुम बलिया था ढाई एरा भजन बोले का सच्चे दरबार की जय। जयकारा बुके महाराज दा सच्चे दरबार की जय।